ब्रजभूषण शरत से इनका नाम है। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से सांसद हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने रांची में एक मंच पर एक युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरा एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए। दरअसल रांची में 15 दिसंबर से 3 दिवसीय अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ब्रजभूषण शरत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे, लेकिन आयोजन के पहले ही दिन ब्रजभूषण शरत सिंह ने एक युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया। पहलवान यूपी का रहने वाला है और अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने रांची पहुंचा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेताजी ने पहलवान को थप्पड़ जड़ा तो क्यों जड़ा। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव स्थित शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियन का आयोजन किया गया था। 15 दिसंबर को पहले दिन 26 राज्य के पहलवान रिंग में उतरे। इसी बीच यूपी के एक पहलवान को सर्टिफिकेट चैंपियन के दौरान ज्यादा उम्र के कारण प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। इसके बाद ये पहलवान सीधे मंच पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरत सिंह के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंच गया। न्यूज 18 के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। पहलवान ने कहा, आप भी यूपी से हैं, हम भी यूपी से हैं, कृपया इस आधार पर मुझे टीम में शामिल करने में मदद करें। इस पर बीजेपी सांसद गुस्सा हो गए और पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह कुर्सी से उठकर पहलवान के करीब आए और उसे एक धक्का दिया, फिर थप्पड़ मार दिया। सांसद को थप्पड़ मारता देख मंच पर मौजूद लोग बीच बचाव करने पहुंचे और पहलवान को नीचे उतार दिया गया। वायरल वीडियो पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, भाजपाई सरकार व संस्कृति का अनूठा उदाहरण, इसे मीडिया ना दिखाएगा ना बहस कराएगा। यूपी के गोंडा के भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह एक कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होने रांची पहुंचे थे, जहां पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिए। माफी मांगो मोदी जी के नड्डा जी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा है, यही तो अंतर है हिंदू व हिंदुत्व में। हिंदू की पहचान सहिष्णुता, हिंदुत्व की पहचान असहिष्णुता। हिंदू की पहचान प्रेम सद्भाव, हिंदुत्व की पहचान नफरत। हिंदू की पहचान अहिंसा, हिंदुत्व की पहचान हिंसा। हिंदी यानी गांधी, हिंदुत्व यानी गोडसे, फर्क समझे। हालांकि इस पूरे मामले पर तकनीकी पदाधिकारियों का कहना है कि खेल के नियम कानून से ऊपर कोई नहीं है। युवा पहलवान ने अनुशासनहीनता दिखाई है, उस पहलू पर भी खेल संघ गौर करेगा। हालांकि थप्पड़ जड़ना इस पूरे मामले में कितना जायज है, इस पर कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस मामले में बीजेपी के सांसद की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसे ही उसकी प्रतिक्रिया आएगी, हम आपको इस पूरे मामले की जानकारी भी देंगे। तो इसे जानने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम नए हैं, इसलिए चैनल को सपोर्ट जरूर करें, ताकि हर खबर हम आपको अनफोल्ड करके बता सके। तो देखते रहिए अनफोल्ड।